Drop it. हाय स्टूडेंट, आप सभी लोगों का द्विवेदी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अभी हमने जो है यहाँ पर जो है सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनकी समरी कुछ यहाँ पर दे रखी है, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, मतलब सेल के अंदर जो पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया, और सेल साथ ही में उनके साथ साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेल किस तरीके से फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है समरी ऑफ द सेलुलर फंक्शन। पहले हमारे पास क्या है, समरी ऑफ द सेलुलर फंक्शन पार्ट टू। तो यहाँ पर देखें सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे पास में सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे हमें दे रखा है यहाँ पर, क्या क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, फ्लैगेलम दिया हुआ है, राइबोसोम दिया है और वैक्यूल दिया हुआ है। ये हमारे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। इधर जो मैंने लिखा हुआ है ये है सेल के फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसिस करना यूजिंग द एज एंड द एनर्जी सोर्स, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को इस तरीके से मतलब उसे बनाना कि वो ऊर्जा के स्रोत का काम करे सेल के लिए। और बनता कब है ये, फोटोसिंथेसिस के, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उसके दौरान यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को चेंज कर दिया जाता है एनर्जी गिविंग मटेरियल में जो सेल के लिए ऊर्जा प्रदान कर सके। तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस चलती है, कौन सी की प्रोसेस चलती है, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस चलती है। उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपका ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह इन चीज़ों में बदलता है। वही जो मटेरियल होता है हमारे शरीर को और हमारे शरीर की सेल या प्लांट की सेल, किसी भी तरह की सेलें जो दुनिया में पाई जा रही हैं, उन सभी को न्यूट्रिशन देता है। अगली बात, तो दरअसल हम बात कर रहे थे अब फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वाली जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में ना पाए जा करके प्लांट्स की बॉडी में पाई जाती हैं। हम दरअसल हमारी सेलें जो क्या होती हैं, जो प्लांट की सेलें खाना बना देती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसका हम लोग यूज करते हैं। प्लांट में भी सारी सेलें खाना नहीं बनाती, सिर्फ वो सेलें बनाती हैं जो लीव्स में पाई जाती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल जिनके अंदर नहीं होता है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ, जितने भी तुम्हारे प्लांट हैं वो तो तुम्हारे ऑटोट्रॉफ हैं, और जो ह्यूमंस हैं मतलब हम जो मनुष्य हैं वो हेटरोट्रॉफ है। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि मनुष्य की बॉडी भी या मनुष्य की सेल भी किसी भी तरीके से ऑटोट्रॉफिक हो सकती है, मतलब वो भी खाना बना सकती है, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगला, फ्लैगेलम हमें दिया है। फ्लैगेलम को हम सीलियम भी पढ़ते हैं, प्रोवाइड द मोटिलिटी, ये गतिशीलता देता है, प्रोवाइड मन प्रदान करता है, मोटिलिटी होता है गतिशीलता। तो मोटिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, प्राइमरली फॉर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए ये गतिशीलता प्रदान करता है। क्या फ्लैगेलम, हमारे अंदर तो हाथ पैर होते हैं लेकिन सिंगल सेल जो होती हैं वो किस तरीके से लोकोमोशन करें, किस तरीके से चलें, तो उनके अंदर होते हैं, इसके लिए फ्लैगेलम होते हैं। ठीक है, बेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज द मोर देन द टू फ्लैगेलम ईच इज देन द नॉन एज द सीलियम। किसी किसी ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैगेलम होते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे साइड से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साइड से ये आ रहा है जो फिगर, यहाँ पर साइड से जो फिगर आ रहा है वो किसका फिगर है, आपका फ्लैगेलम का फिगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम्स साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है वो साइट होता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम के अंदर ही होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन का जो निर्माण है वो राइबोसोम के अंदर होता है, प्रोटीन का जो निर्माण है वो राइबोसोम के अंदर होता है। इसीलिए तो मैं राइबोसोम को क्या बोलता हूँ, इसको भी मैं एक तरीके से बोलता हूँ क्या, किचन। और आपकी लीव्स होती हैं वो भी प्लांट की किचन है, क्योंकि वहाँ भी खाना तैयार होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और राइबोसोम के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन तैयार होती है। अगला, वैक्यूल, ये बोरे का काम करता है हमेशा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वैक्यूल जो है आपका स्टोरेज का काम है। तो एक तरीके से बोरा ही मान लो, बोरे के अंदर हम बोरा होता है, थैली होती है, सैक जिसे बोलते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो ये भी स्टोरेज का काम करता है, एक सैक का काम करता है, एक थैली का काम करता है। तो वैक्यूल जो है आपका स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस, ये पदार्थ का स्टोरेज करता है। साइट ऑफ द डाइजेशन, और साइट भी है किसका, डाइजेशन के लिए, जहाँ पर क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टोरेज हुआ फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द पार्टिकुलेट फूड, एक विशेष प्रकार के फूड का यहाँ पर डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल इन द लोअर एनिमल,
दरअसल फूड वैक्यूल जो होता है आपका वो लोअर एनिमल में पाया जाता है। लोअर एनिमल कौन से हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें सब में फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर खाने का डाइजेशन होता है, पर हमारी बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल का मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि खाना ही पकाना। हमारी जो बॉडी होती है उनमें सेल होती है, तो उनके अंदर स्टोरेज का ये काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी हमें मालूम है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर आते हैं तो इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर खाना पच जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके अंदर इंटेस्टाइन जैसे अलग ऑर्गेन्स नहीं होते, अलग तरह के अंग नहीं होते हैं, तो वो उनका जो खाना है वो कहाँ पचता है? यानी फूड वैक्यूल्स में पचता है। और ये फूड वैक्यूल्स ही पेट का भी काम करते हैं, मतलब खाने के स्टोरेज का भी काम वहीं होता है और वहाँ पचाने का भी काम वहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर अलग से पेट होता है खाने को स्टोर करने के लिए और पचाने के लिए। ठीक है, हमारे बॉडी में खाना पचाने के लिए बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि एक तो आपका स्टोमक हो गया, इसमें इंटेस्टाइन हो गया, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन हो गया, और साथ में पैनक्रियाज है, लिवर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्ट हैं, उनकी वजह से हमारे बॉडी में खाना पच पाता है। लेकिन अमीबा और जो पैरामीशियम जैसे जीव हैं उनके अंदर ये सब पार्ट नहीं पाए जाते, तो इसलिए यहाँ पर फूड वैक्यूल उनके अंदर होता है और वो वैक्यूल के अंदर ही खाने को स्टोर करते हैं और उसे पचाते भी हैं। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका क्या, समरी ऑफ द सेलुलर का फंक्शन। मतलब अभी हो हम गया, गया ये इन्फेक्शन फैलाने वाले जीव हैं। दीज आर द स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। एंड दे आर सपोज टू बी अ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग्स। इनको जीवित और मरे हुए प्राणियों के बीच का क्या माना जाता है? लिंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दरअसल क्या होता है, वायरस अगर किसी जीवित सेल के संपर्क में नहीं, मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि कोई मरा हुआ जीव पड़ा है। जैसे मान लो कि बालू के कण होते हैं, जैसे पड़े रहे तो उनमें कोई सहनेसन नहीं होता, किसी तरह का जीवन नहीं होता, तो बालुओं के कण, रेत के कण की तरह ये व्यवहार करता है, बिहेव लाइक अ डस्ट पार्टिकल। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित सेल के संपर्क में आता है, ये फिर से क्या करने लगता है? सारे कार्य करने लगता है, फिर से ये जीवित उठता है और इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको जीवित और मृत के बीच की, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या मानते हैं? लिंक मान के चलते हैं इसको। तो वायरसेस आर द स्ट्रक्चरली द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये दरअसल क्या है, स्वतंत्र रूप से खाना नहीं बना सकते, ये पैरासाइट ही है। मतलब ये पैरासाइट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, जैसे मान लो खुद खाना बना लें या कुछ ऐसा कुछ कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ दूसरों की बॉडी पर रह सकते हैं और दूसरों की बॉडी में रहते हैं तभी ये जीवित रहते हैं और खाना भी वहीं से लेते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। अभी मान लो कि जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ वायरस, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत सारे वायरस अपने आप फैला देगा। मिट्टी में जब तक वो पड़ा हुआ है, कहने का मतलब जब तक वो किसी लिविंग सेल के संपर्क में नहीं है, तब तक वो अपने जो है नए बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, उसके नए ऑफस्प्रिंग नहीं आ सकते, मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इन बॉस्की, इन बेनोस्विकी, इन बेनोव्स्की, ये कौन है भाई? इन बेनोव्स्की इज रिगार्डेड एज द डिस्कवरर ऑफ द वायरसेस। इन बेनोव्स्की को डिस्कवर मान के चलते हैं, डिस्कवरर ऑफ वायरस मानते हैं कि इन बेनोव्स्की जो थे उन्होंने ही डिस्कवरी की थी, किसकी? वायरस की। ठीक है, तो ये रहा हमारा वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसके कुछ बर्ड मीनिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पर बर्ड मीनिंग हमें क्या दी है, बर्ड मीनिंग हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखें, नॉन सेलुलर का मतलब होता है गैर कोशिकीय। ठीक है, होस्ट का मतलब होता है शक्ति, होस्ट का मतलब होता है पोषित। होस्ट वैसे अगर देखा जाए, होस्ट का मतलब होता है वो जीव जिसके ऊपर कोई वायरस रह रहा हो। पैरासाइट जो रह रहे होते हैं उन्हें तो पैरासाइट कहते हैं, जो किसी की बॉडी पर रहते हैं, जैसे मान लो किसी की बॉडी है उसके ऊपर जो रहते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं। लेकिन जिसकी बॉडी पर वो रहते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं पोषित। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से, ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाचार। तो मतलब पूरी तरीके से लाचार होते हैं पैरासाइट बनने के लिए, पैरासाइट के रूप में ही रह सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब होता है विभाजित हो जाना, तो इनका जो विभाजन होता है विभाजित, तो इन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए कोई जरूर ही एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, किसको? वायरसेस को। अच्छा, फिर उसके बाद में तुम्हारा गैर प्रोटोप्लाज्मिक, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब हो गया गैर प्रोटोप्लाज्मिक। गैर प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब सही ये है कि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रामक या संक्रमण फैलाने वाले। ठीक है, एजेंट का मतलब होता है कारक। तो ये किस तरह के कारक हैं कि ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, कौन फैलाते हैं? वायरस। ठीक है, अच्छा, सपोज्ड माने क्या होता है? मान लो, बिटवीन मतलब होता है बीच में, ये जो तुम्हें पता ही होगा,
पैरासाइट पता ही है आपको, जो दूसरे के बॉडी पर रहते हैं पैरासाइट कहलाते हैं। इनसाइड माने होता है अंदर, रिगार्ड मतलब होता है मानना, रिगार्ड है की तरह माने जाना, तो किसकी तरह मानते हैं? मान ना मतलब इनको डिस्कवर के तौर पर माना जाता है। किसके डिस्कवर का माना जाता है इनको? वायरसेस, वायरस के डिस्कवरर माना जाता है। किसको माना जाता है? एन वेनोवेस्की को। ठीक है, तो ये आपके थे बर्ड मीनिंग। और भी कुछ बर्ड मीनिंग अगर आपको इसमें कोई दिक्कत दे रहा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो आपके पास डिक्शनरी है उससे आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड मीनिंग आपके यहाँ